Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने, जो 10 साल में हम सवाल पूछते प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तेजस्वी जी, आज सीएम ने कहा है कि आप लोग के साथ जब थे सरकार में आपके साथ तो इधर उधर करते थे, इसीलिए आप लोगों का साथ छोड़ दिया था। हाँ, आप लोग के साथ थे तो इधर उधर बहुत करते थे। देखिए उनपे आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा तो पहले बोलते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और उनकी तो पार्टी तोड़ रहे थे भाजपा के लोग, उनके विधायकों को तोड़ रहे थे, जैसे मुकेश सहनी जी के विधायक को तोड़ के ले गए। जब वहां से छोड़ करके आए थे तो यही बात न कही थी कि मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कि लोग ठीक नहीं है, ये लोग देश को बर्बाद कर दिया है, और आप लोगों पे तो बोलते थे कि कब्जा हो गया है, आप लोगों पे कब्जा हो गया है बोलते थे ना, तो चाचा जी है, चाचा जी कुछ भी बोल सकते, लेकिन मेरा प्यार स्नेह चाचा के प्रति हमेशा रहेगा, हम हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखेंगे। तेजस्वी जी, पीएम ने कहा है कि कौन बोल रहा, ये नकारात्मक सोच है ना, 25 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री जी के शासन काल में ओवर एज ढूंढे, अब वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी की उम्र चला गया 25 करोड़। इस पे बोले ना तेजस्वी, बेरोजगार रहे ना रहे ये महत्व नहीं रखता, महत्व रखती है कि देश के नौजवान को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बिहार में कारखाने 10 साल में एक भी क्यों नहीं खुला, एक भी शुगर मिल चालू जिसका चीनी का चाय पीना था प्रधानमंत्री जी को 2014 से, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, ये किसानों का दुगुना क्यों नहीं हुआ, महंगाई 400 था आज 1200 क्यों है, पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर कैसे है, हर चीज का कीमत बढ़ता गया, एक स्कीम बता दो जो प्रधानमंत्री जी का जिससे लाभ हुआ हो हमारे देश के नौजवानों पर, महंगाई का माँ नहीं बोलते, गरीबी का घ नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, प्रधानमंत्री केवल आते हैं अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते, बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में, 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया, यहाँ 17 की सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार, लेकिन जिस हिसाब से बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला, क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला, हर चुनाव में आते चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते, बाढ़ हमारी समस्या उत्तर बिहार में, इंटरनेशनल इश्यू है नेपाल से, एक मिनट भी नेपाल से बात किए बिहार के लिए कि बाढ़ की समस्या सुलझ जाए, यहाँ आकर के तेजस्वी बेरोजगार हो जाएगा, लालू जी फल्ला है तो आरजेडी का परिभाषा ये है, अरे बीजेपी तो बेरोजगारी का बाप है, अब महंगाई की माँ है, इस पे बोले बीजेपी। वोटिंग प्रतिशत में कमी दिखाई दे रही है, वोटिंग प्रतिशत। हाँ, इस पे तो सोच विचार सबको करना चाहिए ना, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम नेताओं का, हम किसी को दोष नहीं देते, ये सब नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा हो गई, आप 10 साल से आपको जनता मौका दे रही है, आपने वादा नहीं पूरा किया तो लोगों की उम्मीदें कम होती है, हमें 17 महीने मौका मिला, हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख नियुक्त शिक्षकों कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया,
हम लोगों ने मानदेय दुगुना की, आरक्षण की सीमा 75% की, जाति आधारित गन्ना कराया, आईटी पॉलिसी मैंने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्टमेंट कराए, 50,000 करोड़ का निवेश है बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराए। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने, जो 10 साल में हम सवाल पूछते प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी से अगर ज्यादा नौकरी दिया होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री को हम खुला चुनौती है। शाहनवाज हुसैन कहा है कि मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं आप, लेकिन उससे कुछ नहीं होने जाना। किससे? मुकेश सहनी के साथ घूम रहे हैं वो, अपने ओने ओरियाइल चल रहे हैं, उनको कौन पूछ रहा है? बीजेपी वाला कोनो भाव दे रहा है? वोटर तो दूर की बात है, पटिए वाला पत्ता काट दिया तो हमारी क्या गलती है? तो मुकेश सहनी जी पे बोलेंगे तो हम पे बोलेंगे, ये बोलने से खुश होते हैं उनके आका, तो और बोलिए, और बोलना चाहिए।